हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैट्रिक का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के कारण बार 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 कॉपी चेक डिले हो रहा है, रिजल्ट डिले हो रहा है, कॉपी चेक डिले हो रहा है, रिजल्ट डिले हो रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ कर सके, क्योंकि लॉकडाउन की जो महामारी है, कोरोना वायरस की जो महामारी है, उसे रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ऐसे में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद कुमार ने एक ऑफिशियल ट्विटर पे भी और साथ-साथ में पेपर में भी ये न्यूज़ आया। पहले मैं आपको ट्विटर का न्यूज़ दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है लॉकडाउन के रिस्क के कारण 10th बोर्ड के रिजल्ट के डिले से रिलेटेड। और ये इस न्यूज़ को अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना फैलाइए। आप इसे फैलाइएगा, जितने लोगों के पास पहुंचाइएगा, उतना ही लोग कंफर्म होंगे और उनको पता चलेगा कि क्लास 10th का रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर है। आप जब यहां देखेंगे तो यहां पे आनंद कुमार सर ने, यहां देख सकते हैं नीचे बिहार ऑफिशियल वीएससीवी, मतलब बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही न्यूज है। मैं आपको नीचे चलकर दिखाता हूं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 17 घंटे पहले एक ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें लिखा गया है, श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, मतलब जो क्लास 10th की परीक्षा है, उसकी बात की जा रही है, 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 3 मई 2020 तक स्थगित रहने का निर्णय लिया है। मतलब 3 मई तक स्थगित रहेगा, 3 मई तक कोई भी मूल्यांकन नहीं होने वाला है। मेरी बातें समझ में आ रही स्टूडेंट्स? यानी 3 मई के बाद कॉपी चेक होगा। जैसे इससे पहले देखिए यहां पे 31 मार्च को अनाउंसमेंट आया था, तो भी मैंने बताया था, जहां पे ये बोला गया था कि 14 तारीख के बाद कॉपी चेक होगा, 14 तारीख तक स्थगित रहेगा। अब यहां पे आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन बढ़कर 3 मई तक हो गया है, इसलिए 3 मई के बाद कॉपी चेक होगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ न्यूज़ ट्विटर में है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप लोगों को पेपर में भी मिल जाएगा। यहां भी देख सकते हैं, मैट्रिक मूल्यांकन 3 मई तक स्थगित। यानी जो भी बच्चे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, अभी आराम से इंतजार कीजिए, लेकिन कहूंगा स्टूडेंट्स, पढ़ाई मत रोकिए। प्लीज, अपने लिए, अपने फैमिली की जिंदगी के लिए पढ़ाई मत रोकिए, अपने कैरियर के लिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। अभी मैं और भी न्यूज़ बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स। इससे ये बेनिफिट्स होगा ना कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, और जब जब भी मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊंगा एमिंग है हिंदी पे, आपको सबसे पहले उसके बारे में डिटेल पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स, कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ से रूबरू रहे, यानी उनको पता रहे कि स्टडी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या घटना घट रहा है, क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है दूरदर्शन पर पढ़ने के 3 छात्र रजिस्टर। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि दूरदर्शन पे ऑनलाइन स्टडी के लिए बच्चों के लिए प्लानिंग हुआ है, जहां पे मेरे सारे डियर वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी दूरदर्शन पे कर सकते हैं। आप इस न्यूज को वीडियो रोककर डिटेल में पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज आपको पता चल गया होगा कि क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा। चिंता नहीं करना है, चैनल से हमेशा स्टडी करते रहनी है। एमिंग हाई ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी पढ़ते रहना है। और ये इस न्यूज को अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना फैलाइए। आप इसे फैलाइएगा, जितने लोगों के पास पहुंचाइएगा, उतना ही लोग कंफर्म होंगे और उनको पता चलेगा कि क्लास 10th का रिजल्ट कब आने वाला है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लिए न्यूज हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।